यार एक सेकेंड, तुम लोगों को मजा नहीं आया? अरे तो थोड़ा जोर से। वैसे तापसी, ये ऋषि कपूर है, मैं अभिमन्यु हूँ और स्टेज पे अब तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। दिल से तुम्हारे लिए ये लो। एक मिनट तापसी, ये बहुत बुरा किया तूने मुझे देखे, तेरे को पता नहीं क्या क्या बोल सकती हूँ तेरे को मैं। You cannot do this to my future wife. I don't like it. यार वैसे तो मेरे को पिक्चरों में ना एक भी हीरो नहीं मिलता, मुद्दे मिलते हैं सिर्फ। यहाँ पे दो दो हीरो हैं और ये दो यहाँ खड़े हैं, क्या बात है? नहीं नहीं, पहले हम लोग को ही कास्ट किया था, फिर अनुराग सर ने बोला तुम लोगों का बजट नहीं है, तुम लोगों की शक्लें सुधारने में बहुत पैसा लगेगा। जस्ट अ सेकंड, ये तुम लोगों की नहीं अपनी बात करो। शक्लों के अलावा बाकी कुछ और बाकी चीजें भी सुधारनी पड़ेगी। मैं कितना सारा हूँ, बाकी कुछ रखा ही नहीं है। तापसी के लिए जोरदार तालियां। यार इतनी चीयरिंग ना, मतलब हमारे बॉलीवुड वाले अवार्ड शो में भी नहीं होती। थैंक यू सो मच, आई होप पिक्चर में भी इतना मजा आया। ये जो थोड़ा बहुत नाच गा रहे हैं ना हम, वैसे मेरे को वैसे नचाते नहीं है पिक्चर में, और अनुराग कश्यप अपने पिक्चरों में नाचने वाला गाना रखता नहीं है, बट इस पिक्चर में मैं नाच रही हूँ और हमारे नाचने गाने वाले गाने हैं। क्या होने वाला है भगवान जाने। अमित त्रिवेदी देखिए यहाँ पर है, he's our savior. He's our savior, guys. मैं बता रहा हूँ, गाय तोड़ने ने पहले ही कहा था त्रिवेदी ही बचेगा। और वो इंसान जो मतलब चलते हैं तो बैकग्राउंड में कह के लूंगा बचता रहता है, वो वन एंड ओनली, कैन वी प्लीज हैव ऑन स्टेज अनुराग कश्यप। आ जाओ आ जाओ। आ गया, आ जाओ। ओ गर्मी लग रही थी, मैं जैकेट उतार गया। शुक्र है सिर्फ जैकेट उतारी है, आ जाओ। तो आप एक बात बताओ, आपको रूमी की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है? वो कुछ नहीं, इसको देख के रूमी है। अरे ये रूमी पैदा हुई थी, इसको अभी तक लोग इससे अभी तक लोग एक्टिंग करा रहे हैं, मुझे तो एक्टिंग करानी नहीं पड़ी। एक बात बताओ, ये पिक्चर में डांस वांस क्यों करवाया आपने? अपनी वैसे तो पिक्चर में डांस वांस नहीं कराते हैं, बड़े गन्स गालियां पता नहीं क्या क्या होता है ना इस पिक्चर में, गन है ना गाली है। ऐसा बिल्कुल नहीं, मेरे फिल्मों में डांस होता है, नवाज ने डांस किया मेरे पिक्चर में। कौन सी पिक्चर में? इमोशनल अत्याचार में। उसके बारे में सब कुछ जानती है, इसलिए मुझे रोल मिला क्योंकि मैं उसको बचपन से जानती हूँ। अरे आप बहुत महान एक्ट्रेस है, बहुत फोड़ो एक्ट्रेस, आपने मुल्क देखी है, बहुत बढ़िया फिल्म थी। इनफैक्ट मैं आपसे एक चीज पूछने आता हूँ तापसी। हाँ। यार इतनी एनर्जी है तुम में, हर वक्त तुम हाई ऑन एनर्जी रहती हो, हर वक्त तुम्हें रहता है कि कुछ करते हैं कुछ करते हैं, कभी खुद को बोला नो मींस नो? यार एक ऐसी ऑडियंस होगी तो मैं कैसे लो ऑन एनर्जी रह सकती हूँ? गाइस यू आर रॉक स्टार, हाउ अमेजिंग, आई एम रियली लाइक पीछे मैं कांपने लगी थी यार, इतनी एनर्जी मैं मैच कर पाऊंगी थोड़ी बहुत कि नहीं, बट गाइस यू आर ऑसम। देखो ये लोग ऑसम हैं और सुपर ऑसम आप दोनों हैं, इसीलिए ऋषि हम क्या करने वाले हैं अभी, इसीलिए इन दोनों के ऑसमनेस को यूज करते हुए हम एक गेम खेलने वाले हैं, वर्ड एसोसिएशन गेम। मैं समझा देता हूं इसमें क्या होगा, इसमें हम एक शब्द बोलेंगे, एक वर्ड बोलेंगे और देखते हैं इन दोनों का पहला रिएक्शन उस पर क्या आता है। इट कैन बी एनीबडीज नेम, एनी प्लेस, एनीथिंग। ओके वर्ड्स आर इन माय हैंड, आर यू रेडी? फर्स्ट वर्ड सर आपके लिए तापसी, न्यूक्लियर बॉम्ब। पटाखा मतलब क्या बोलेंगे उसको? तापसी तुम्हारे लिए अनुराग कश्यप, ग्रे वाला शेड, ग्रे वाला शेड है, ग्रे वाला शेड ही है। हमारे लिए तो आप यंग हो सर। नहीं यार वो बाल ग्रे, हेलो ग्रे वाला शेड अपग्रेड है, डार्क वाला शेड।
ओके नेक्स्ट वन अभिषेक बच्चन. अभिषेक बच्चन वेरी कंपोज्ड. कंपोज गुरु. हां एकदम गुरु के जैसा कंपोज. कैसे नहीं गुरु नहीं युवा लल्लन. युवा लल्लन. ओ युवा युवा ओ युवा. ओके तापसी के लिए अवार्ड विकी कौशल. सच बोलना बिल्कुल सच बोलना जो बैक स्टेज बोला था वही बोलना. गबागम गबागम. ओके अनुराग आपके लिए कॉन्डम्स. हम ही जानते हैं इसके बारे में सॉरी. मतलब ये तो दोनों आंसर करेंगे. नहीं ऐसा कुछ नहीं सुनाने वाला. शुक्र है तब नहीं था तो मैं हूँ. इनको भेजो बाहर. ओके तापसी आपके लिए वर्ड पंजाब. खाना यार फूड मतलब मैं साउंड पंजाब. ओके वंडरफुल तापसी आपके लिए एक और मेरी तरफ से पूछा था मुझसे यार. अरे तो एक और जवाब दे दो यार. बोल यार बोल 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 ना बोल ना. ओके सो अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ जो अगर तुम कभी मेरे शो नॉटी नाइट्स पे कॉल कभी करोगी या कभी अगर हमारी बात होगी मैं फिर भी पूछना चाहूंगा तुम्हारे लिए. जाती हूं जब तक हमारा शो. मुझे पता है तुम सोती नहीं हो तुम ही सुन रही होती हो. सो बेटा कुत्ता पालो बिल्ली पालो गलत फहमी मत पालो. अरे तापसी तापसी की दिया हुआ कुत्ता पाल लेंगे गलत फहमी पाल लेंगे तुम्हारा दिया तो कुछ भी पाल लेंगे यार. ओके सो तुम्हारे लिए एक शब्द प्यार. मैं वो गाना सुना ना. मैं ढल गया दिन तक हो गई शाम तक जाने दो जाना. यार पिक्चर प्रमोट कर रहे हैं मेरी पर्सनल लाइफ की चुप करो. हाँ प्यार रॉबी यार अनुराग सर. ये तो है ही है प्यार. प्यार क्या मेरे लिए मेरे तो प्यार प्यार आस पास ही रहता है मतलब अलग ज्यादा दूर नहीं रहता एक दूसरे से. हाँ तो प्यार इज मेरे लिए पी फॉर प्यार होता है और एफ फॉर प्यार होता है. एफ फॉर प्यार होता है इनके लिए. इनका काफी हिला हुआ है. ये इतने भी छोटे नहीं है बड़े हो गए. बहुत मस्ती हो गई. बहुत मस्ती. अभी क्या है ना भाई कास्ट को थोड़ा कंप्लीट करने का टाइम आ गया. हाँ. तो वापस से बुला लिया जाए रॉबी गो और विकी गो. अभिषेक बच्चन बच्चन और विकी कौशल. Guys, शोर कम नहीं होना चाहिए. Let's hear it for Abhishek Bachchan and Vicky Kaushal. तब तक आप बताएं आप ही कुछ विशेष टिप्पणी दें विकी. Okay, so everybody is here. So, guys, ये मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा विकी आपसे अभिषेक आपसे what is प्यार for you? प्यार या प्यार? प्यार. Spice in प्यार इस प्यार है कि नहीं है कि नहीं यार. जितना जितना तीखा ये आदमी खा रहा है ना इंडस्ट्री में कोई नहीं खा रहा इतना तीखा अभी. ओके अभिषेक भाई अनुराग सर ने मुझे अनुराग सर ने जो घपाघप नहीं मिला था वो इस फिल्म में दे दिया क्या. अभिषेक सर बड़े खुश लग रहे हैं इस चक्कर में वो. नजर उतर वालो नजर उतर वालो आज ही होना चाहिए मेरे पास 10 रुपए ऋषि. मैं भाई की तरह प्यार में विश्वास रखता हूँ. नहीं 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 लेकिन इसको क्यों बता रहे हो यार. क्योंकि ये आपकी तरह प्यार में विश्वास रखता है. शादीशुदा आदमी है. सर ये बोलना नहीं था. आउच छह लड़कियों का नंबर लेना बाकी है.
कंप्लीट करो, स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है ये, स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है, एडिट इट प्लीज लेटर। लेकिन उसके पहले वी आर गोइंग टू डू द प्यार वर्सेस प्यार चैलेंज। अब मेरे को है ना कोई तीन लड़के तीन लड़कियां, तीन लड़के प्यार 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 प्यार, ये आप लोग तीन तीन हो, इकट्ठे हो, वापस भी साथ में जाने वाले हो शेयर कैब में, ओटीपी मिल गया है, आ जाओ नजदीक है, यहां से बुला लिया आप लोग को, दूर पड़ता है गोरेगांव नजदीक है वहां से। सो वी हैव पीपल, प्यार वाले तुम्हारी टीम में, प्यार वाले मेरी टीम में, इतने प्यारे हैं ये, कैसे ये जीतेंगे प्यार वाले। अरे प्यार करके दिल टूटा है, प्यार करके तो मूड बना, अभी से बोलती बंद होगी, कहां है रे मोटी, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा, हमारे पास इतना स्क्रिप्ट नहीं है। ओके सो आई थिंक वी आर वेटिंग फॉर द टीम, द प्यार वर्सेस प्यार, क्विकली वी विल डू द फर्स्ट चैलेंज, तापसी यहां पे है। कैन आई गेट इन हियर वन सेकंड गाइस, बिफोर वी स्टार्ट द प्यार वर्सेस प्यार चैलेंज, I just want to calm everybody down and just want to bring your attention. One of our fellow states and our countrymen in Kerala are going through a terrible, terrible time with the floods. And I just want to say that anything y'all can do to help, be it donating money or donating clothes or food or whatever, we should try and do whatever we can. The team of Madmarzia has been working already a lot with it. You can just go onto our social media handles, we put out links. I think it's a time now we should really send out a lot of positive energy, prayers and strength to the people of Kerala that are going through this terrible, terrible time, and give them full power and do whatever we can to help them. So please do try and do whatever you can, okay guys? Thank you. Much needed and much important, very important in fact right now. So we have got the Fyar and Pyar team members. Now Fyar wale kaun hai, haath upar karo, Fyar, F for... Oy, oy. Pyar wale idhar aajao, Pyar wale udhar chale jao. Bilkul Pyar se aana. शक्लों पे प्यार दिखना चाहिए। Give it up for team प्यार। इतने प्यार से मिल रहे हैं टीम प्यार। और we have very very little time, मुझे अभी भी backstage से ऐसा इशारा है। Two challenges, the one we are going to do। पहले प्यार की टीम से कौन आएगा? पहला चैलेंज है पोइट्री चैलेंज। और ये पोइट्री जज करेंगी तापसी और साथ में करेंगे मिस्टर अनुराग कश्यप। और ये पोएट्री लेके हमारी टीम से, यानी प्यार टीम से आ रही है, रिया। हेलो रिया। दुनिया में रहकर सपनों में खो जाओ। वाह, दुनिया में रहकर सपनों में खो जाओ, किसी को अपना बनाओ या किसी और के हो जाओ। अगर कुछ भी नहीं होता है तो, अरे अगर कुछ भी नहीं होता है तो चंदन तकिया लो और सो जाओ। एक्सीलेंट। सेकंड आना हो तो ये ठीक है, जीतना हो तो ये ठीक है। आपका नाम क्या है? ठीक है, बहुत अच्छे, आप पोएट्री बोलने वाले हो ना, जीत गया ना बेटा। ओके अच्छा अच्छा, रो रो, I said I'll hold the mic. She said, "Can I hold your hand?" Sir, इन्हें भी याद दिलाना पड़ेगा। आप ही शादीशुदा हैं। Because we're the PR team, you can hold me. Okay. जीतने की बात चल रही थी, यहाँ इनका अपना ही चल रहा है। एक पल के लिए जब तू पास आता है, मेरा हर लम्हा खास बन जाता है। सवरने सी लगती है ये ज़िंदगी आपकी, जब भी तुम मेरे बाहों में मुस्कुराता है। आशीर्वाद ले। काफी बड़ा हो गया आज। सो सेकंड राउंड इज द पुशअप चैलेंज। एक मिनट भाई, मैं जज मैं हूं, तू उसको क्यों, जज मैं हूं, मेरे को पुश करना है, उसको नहीं करना। एक मिनट, ये अभी सेटल कर देते हैं। विकी को देखो, इनको देखो, दे दिया। हां आदि, टेक इट आदि,
आजा पुशअप चैलेंज। ये तो आधा ही है, अच्छा है, नाम भी सही है, चलेगा। आजा 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 हो जाए फिर। कहानी में ट्विस्ट है। शाबाश। ऊपर किसी को बैठना नहीं है। चलो चलो ऊपर ऊपर प्लीज बैठो। रुक जाओ, इसको और बढ़ा देते, ऊपर कोई बैठेगा। यस पार्टनर को ऊपर बैठना है। एक मिनट कर ले, तो सिट ऑन टॉप ऑफ द कार। ऊपर बैठना है अभी। ए जो पार्टनर गाइस, अगर तुम लोग प्लीज सिट ऑन टॉप ऑफ द कार। ऋषि बैठो सिट ऑन टॉप ऑफ। मैं बैठूंगा, मैं बैठूंगा, करेगा तू। गो फॉर इट, गो फॉर इट, गो फॉर इट। ये होना है, बोल लो, बोल दे, गो फॉर इट। दिस इज लुकिंग ऑकवर्ड आई नो। 1 2 कम ऑन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चल दंडो, आज तेरी इज्जत का सवाल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जेब में प्रोटीन शेक है मेरे, मिलेगा तेरे को। शाबाश 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 शाबाश। कल सुबह उठना है तुमको। इतने पुशअप करके भी इनमें से कोई रोड़ी नहीं बनेगा। ध्यान से और बहुत बढ़िया, बेहतरीन। और अब लास्ट चैलेंज, last challenge, we have a very short on time, but jiske liye hum bhi part lena chahenge, that is going to be the all dance challenge. Your dance challenge. I didn't know this was happening, usne announce kar diya. Yes, it's a dance off. Dance off gaana chalega. नहीं, एक सेकेंड, नहीं हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है तो हम वो नहीं कर रहे हैं। अभी कॉल आया है, सो जजेस यू हैव टू नाउ डिसाइड हू इज द विनर। प्यार टीम या प्यार टीम, कौन सी आपको अच्छी लगी? टीम क्या, टीम तो मतलब एक इधर एक इधर। यस, एक इधर एक इधर। एक राउंड वो जीते, एक राउंड ये जीते, तुम लोग बताओ। अच्छा, प्यार के लिए, प्यार के लिए। ऑल राइट, वेट 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 वेट। देखो यार, मैं ऐसे बार बार इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन डांस चैलेंज होगा। या ये क्या है यार? होगा, गलत कर रहा है। अभी इवेंट चल रहा है, वन ईच है। नहीं, वन ईच है, एग्जैक्ट। अनुराग सर ने बिल्कुल सही कहा, डांस का सीक्वेंस है भाई, कर दो, फैल जाएंगे। क्या कर दो? फैलेंगे भाई, और तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अरे तुम बताओ क्या करें तुम्हारे लिए। ऐसा है ना, दूसरों की होने वाली बीवी के साथ ऐसा करते हैं लोग, बड़े गंदे लड़के। बाल में 8-8 किलो जेल लगा के आते हैं लोग। जब तक काम करते रहो, जेल लगाते रहो, रेड एफएम बजाते रहो। चलो, ऑलराइट, आर यू रेडी फॉर द डांस ऑफ? बड़ी एनर्जी दिखा रहे तुम लोग, कह रहे हैं रियली लाइक यू गाइस। एक बार अपने लिए जोरदार एनएमआई मैच, यू रॉक। ऑलराइट, डांस ऑफ के लिए यू गाइस आर रेडी? और अभी देखेंगे कैसे। Guys, we need to have AB on the floor here. What do you say? Dance, it's hard. AB, AB. दो ही वर्ड तो सीखे तुम लोगों ने A to Z के बीच में, वो भी आज सारे बोल दिए। बहुत बढ़िया। Ready, rolling. देखो, अब आपने रिप्रेजेंट किया है, अब ये जजेस बताएंगे कौन है विनर, फियार या प्यार। ओके ओके, टू टू वाज वन। डांस में मेरे को समझ में नहीं आया।
नहीं मेरे को पूछा तो अभी मंडी इतना खुश हो रहा है बाद में हमने एक भी टैक्सी में जाना है फिर करेंगे बट वेरी वेल डन गाइस सबके लिए वेरी वेल डन गाइस ऑल सिक्स ऑफ यू थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू ओके वन क्विक लास्ट गेम वी नीड अ लिटिल प्रॉप राउंड हियर बहुत बढ़िया ओके सो अब हम लोग अंत पे पहुंच रहे हैं लेकिन अंत में पहुंचने से पहले 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 आगे का बोलूं अबे बोल वही तो सर वैसे तो टीम पूरी है लेकिन फिर भी पूरी नहीं है किसी एक की कमी नहीं नहीं दो की कमी है दो की कमी है एक तो आपको मालूम है जिसका बायोपिक है पहले तो उसको बुला लेते हैं ये बात ठीक कनिका ढिलन दूसरे हमारे दूसरे दूसरे रियल रूमी और एक हमारे जो हमारे प्रोड्यूसर साहब जिनकी वजह से हम सब यहाँ खड़े हैं बिल्कुल हमारे चेक काटे हैं जो यही कहीं है Ladies and gentlemen, let's welcome the producer, Anand L. Roy. तो सब 14 सितंबर के लिए सेट है माइक है माइक है सर भाई तेरा कैमरा तोड़ेंगे ये लोग आज फोटो लेना है कर लो ओके ऑल राइट Before we close the show, we have to ask you guys, you know, that one important thing जो एक picture को picture बनाती है, वो team, you know. अब आप सबसे जानना चाहते हैं, आज पूरे उमंग को आप एक-एक reason दे, that special reason why you were a part of this movie and you would want them to be a part of this movie. Your story almost. You can relate to it. It is a story which every girl out here, every guy out here is gonna relate to it. तो अपनी कहानी बड़े पर्दे पे देखनी है अगर तो 14 सितंबर को थिएटर में जाके जरूर देखना अपने प्यार वाले को भी और प्यार वाले को भी साथ में लेके जाके देखना ओके थैंक यू सो मच टू ऑल द स्टार्स एक बार तीनों के लिए थैंक यू गाइस थैंक यू For being here. Starcast का फोटो हम लोग रेड एफएम का स्टारकास्ट है हम लोग यहाँ पे थैंक यू गाइज थैंक यू सर थैंक यू सो मच What's up, guys? Wow, a lot of phones out here. Some log selfie khinch rahe hain. Yeah? Actually, one second. Give me your phone. Yeah. Should I take a selfie with you guys? I don't know whose phone I've taken, but okay. Here we go. Umang, what's up? All right, that's fantastic. Whose phone is this? No. Here you go. What's up, guys? Thank you so much for coming. And I hope everybody's... Is it rain? No, it's not. It's all good. Okay. So, guys, we're here. Man Marzia is a film we've made with a lot of love. And we're here for the music album tour headed by the genius Amit Trivedi. Isn't he fantastic? And these singers, there's this army of singers which are just unbelievable. But none of them would be anything without these special boys and girls sitting over here, the musicians. A huge round of applause for all these guys. They're absolute rock stars. Yay! Talking about rock stars. So, there's this one guy who I think is possibly one of the most talented directors we have in India. He's recently just made
a TV show called Sacred Games. Have you all seen it? He also made a movie called Gangs of Wasseypur. Have you seen it? He also did this really nice, soft, light-hearted comedy called Raman Raghav. Did you see it? So we all thought Mr. Anand L. Rai, Kanika Dhillon, the immensely talented writer of this film, thought, wouldn't it be nice to give this gentleman a love story to make? And let me tell you, he's brought his own unique spin to it. It is an absolute honor, and it is such a wonderful experience working with this modern day genius. Guys, put your hands together. Anurag Kashyap! Hey, hello, MM. Hello. You know, when I came to Bombay. Mumbai. Mumbai. Then it was Bombay, now it's Mumbai. Ah. When I came to Bombay in 1993, I think inme se koi bhi paida nahi hua tha. Tab mera lunch aur dinner wo samne vada pav hota tha. Sir, aapka lunch dinner hota tha, hamara breakfast hai to bhurji wala ho gaya. Burji wala mera late night mode tha. And I used to come to NM because I used to rehearse my plays at NM with Makran Deshpande, and yahan pe ek room hota tha, aisa nahi tha. And with Mahendra Joshi, who passed away back in 1993, and Makran Deshpande, hum log Ansh Theatre Group bhi yahan tha, Makran was from here. And hum log yahan rehearse karte the, piche kamra hota tha. To NM ki itni sari memories hai, मिठी भाई की इतनी सारी मेमोरीज हैं, और हम लोग यहाँ पे आके सारा दिन बाहर ही खड़े रहते थे. I also have a memory. So, you all might not know, but my first ever starring role on stage, I performed in the Bhaidas Hall. My first time on stage. The first time. I was in first standard. I played Chief Big Bear. I was a Red Indian. बड़ा भालू. बड़ा भालू. So that was, yeah, so we're all tied into you guys. Anurag, I want to ask you a few questions. Yes. Okay. I want to know, what was it about the script of Kanika's? One second. Come here, beautiful. Guys, turn around. This is Kanika Dhillon, she wrote the film. And once you see the film, it's actually a biopic on her. She did all of that. So I want to ask you, what was it about Kanika's script that you thought that this film I have to do, and what was it about the script that you felt you could own it? Madam, ऐसी फिल्म मैंने कभी पहले बनाई नहीं है. Correct. और जब Kanika की script मैंने सुनी, इतनी honesty थी उसमें, कोई आदमी अपनी खुद की कहानी इतनी honesty नहीं लिख सकता, जिसमें ऐसी ऐसी चीजें हों. तो कनिका ने इतनी ऑनेस्टली अपनी बायोपिक लिखी, उसकी जो ऑनेस्टी थी वो देख के फिल्म बनाई. और इट वाज आल्सो माय फर्स्ट चांस टू वर्क विद थ्री एक्टर विद कर्ली हेयर. मैंने कभी घुंघराले बाल वाले एक्टरों के साथ ज्यादा काम नहीं किया था, इसमें तीनों के बाल घुंघराले. अच्छा, जोकिंग. नो नो, इट्स गुड, इट्स गुड. वी हैव अनदर स्पेशल पर्सन विद अस गाइस, अनदर जीनियस. सर घूम जाओ. आवर प्रोड्यूसर एंड अ ग्रेट डायरेक्टर मिस्टर आनंद एल राय. Yeah. He's also made a very small, arty kind of film with some actor. What's his name? Shah Rukh Khan. Right. Zero. It's going to be an unbelievable film. It's going to be awesome. All the best, our producer. Okay. I want to ask you, Anurag, आपने तापसी, विकी और मुझे क्यों चुना? I think it was बहुत ही एक natural fit था. सबसे पहले मतलब हम लोग को फिल्म बनाते समय सबसे पहले था कि हमें पहले डिसाइड करना है रूमी कौन है, और रूमी जब डिसाइड जाएगी तब हम डिसाइड करते हैं कि विकी और रॉबी कौन है. तो हम लोग जब रूमी ढूंढ रहे थे, ऐसे ही कनिका के साथ मैं तापसी से मिला. तब तक मैंने तापसी की फिल्में नहीं ही देखी थी उसमें, और तापसी जैसी थी. मैं कनिका को साइड में ले जाके बोला, मैंने कहा रूमी तो यही है. सो व्हेन तापसी केम ऑन बोर्ड, आफ्टर दैट वी डिसाइडेड Let's look for Vicky and Robbie. और फिर वो सबसे बड़ा हाथ जो है उसमें. You thought about me last. Yeah. वो ऐसे ऐसी तो चीजें होती है ना. Nepo kids come last, huh? हम लोग ये हमारा
ये सदियों का हमारा वो अनफेयर दिस इज अनफेयर ठीक है चलिए बट विकी इज वर्थ इट गाइस वाजंट विकी कौशल जस्ट फायर ही इज अमेजिंग ही इज सुपर ही इज अमेजिंग वेट टिल यू सी तापसी शी इज ऑन अ डिफरेंट लेवल वेट टिल यू सी हिम या आई एम द कॉम वन Okay, I want to ask you a last question because I think it's important. Since we're here, it's a festival, all these guys, these kids have come out very sweetly. I want to ask you, how did you decide, since we're here and it's about music, how did you decide the sound of Manvarji? I've always felt that your sense of music is fantastic and what's nice is that your music fits your story. It's not an Anurag Kashyap sound, it's an Anurag Kashyap film sound. So how did you choose the sound of Manvarji? My process is always begins with the creator. And that's Amit Trivedi. God or? Yeah, Amit. For me, when I hear the script and I know this film is Amit. And when I go to Amit, and because we have worked together for 10 years. And I said, by the way, do you know this thing about Amit Trivedi, that Amit Trivedi in the college was a gymnast. He can do backflips. Aja. From a musical concert, we'll make it a talent show. You want to see Amit Trivedi do flips? No, I can't. He has to do one backflip. India's got talent, people. I can't. He needs to stretch. He needs to stretch. Yeah, without stretching it, I'll take my back. So, Amit, and the thing is with Amit is, when we work together, Amit knows he doesn't have to fear anything. Amit is not trying to please me. Amit is trying to create, he is pleasing himself. And he won't come to me until he has found something where he feels, he's dying to tell me, ye suno, ye suno, ye suno. So our process is long, we spent 2 years doing this. For me, you know what? I feel that I am in a cage when I'm doing, I don't know, I should be saying that, but I honestly feel, I'm being really, really honest. I feel that I am in a cage. Or there is some bandhan around me while I'm working on other things. The moment, he comes in, he's the only person who has the key to that cage. He just comes and opens it and I'm flying up to there because he lets me free, the amount of freedom and trust that I get from him. It's unbelievable. But we don't chase safety. Yeah. First thing we put out of the window is safety. Let's not be safe. Well, now, whatever you all do, it works. Do you guys like the music of Manvarji? Yeah? Why don't you tell me, which is your favorite track so far? Mine is two. I have two. Not Kajrare, that was another film. She said Kajrare. Gharwali ko bulana padega. So I have two. And I think they're absolute geniuses. One you just heard called Halla. And another is a song called Darya, which is just unbelievable. So Anurag, I don't think you should waste any more time. I think they're here for the music. Let them hear the music. Guys, you got to hear some more tracks of Manvarji. We'll be back later, talk with you some more. A big shout out to all of Anurag's 80s, wherever they are in the crowd. Are they there? Yeah, some of them are there. Anurag's crew's there? All right. Okay. Sir, chaliye, aap chaliye. Let them carry on. We'll see you guys later. Be good. Peace out. Yeah.